यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु परमेश्वर के सामने हम सब इकट्ठे होते और उसके सामने प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु के वचन से देखेंगे सबोपदेशक उसका बारह अध्याय। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, इससे पहले के विपत्ति के दिन आए, वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता, इससे पहले के सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा के तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल घिर आए, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे, पिसनहारियाँ थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी, यानी दांत जो हैं काम करना छोड़ देंगे एक समय के बाद, और झरोकों से देखने वाली अंधी हो जाएंगी, यानी आँखों की रोशनी जाती रहेगी, और सड़क की ओर उसके किवाड़ बंद होंगे, चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, तड़के चिड़ियाँ बोलते ही आँखें खुल जाएंगी और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने के फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे, उस समय चांदी का तार दो टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास का घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। उपदेशक कहता है ये सब व्यर्थ है। 13वें पद में सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी हों, न्याय करेगा। हमें बड़े तैयार रहने की आवश्यकता है ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरत है तैयार रहने की। वक्त किसी को कुछ पता नहीं होता, कौन किस वक्त इस दुनिया से प्रस्थान कर जाएगा। हमारा ही एक प्रियजन आज सुबह रात के 2 बजे, जिनका नाम डॉक्टर रोहित लाल है, एसोसिएट प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी में थे, करीब 5 महीने से ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, 1.5 महीने पहले उनका ट्रांसप्लांट हुआ और आज वो दुनिया को छोड़ गए। 40 साल की उम्र में जवान चला गया। उसके एक छोटी सी बच्ची है और उसकी पत्नी ने ही उसे अपना लिवर डोनेट किया था। दोनों की सर्जरी हुई, दोनों की मेजर सर्जरी थी और उसकी पत्नी की हिम्मत थी और उसने परमेश्वर का प्रेम दिखाया अपने पति के प्रति, कि मतलब मौत से भी लड़कर अपने पति को जिंदा रखने की कोशिश की, परंतु समय हर एक का होता है, उसके आगे किसी का कुछ बस नहीं चलता। प्रभु को यही मंजूर था कि वो बेटा आज परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। सच तो यही है कि उससे जाने से पहले 2 बार हमने उसके लिए जाकर प्रार्थना की और हॉस्पिटल में प्रार्थनाएं की और उसने अपने आप को प्रभु को दिया, प्रभु यीशु मसीह के हवाले किया, अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया और उसने यीशु मसीह को वायदा किया कि ये ज़िंदगी अब तेरी है, जैसे चाहे उसे इस्तेमाल कर। अब प्रभु को शायद ज़्यादा ज़रूरत है और एक दिन आएगा कि स्वर्ग राज्य में सब के सब वापस लौटेंगे, परमेश्वर के राज्य में वापस लौटेंगे, इसमें दो राय नहीं है। हम आपको इस दौरान ख़ास तौर से 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय
और उसका 12 पद से लेकर हम पढ़ेंगे कुछ आयतों को। इसलिए कि जब मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया। यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यानी हमें इसी जिंदगी में मसीह से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, हमें मसीह से उम्मीद करनी चाहिए हमेशा की जिंदगी के लिए, लाइफ फॉर एवर, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद हमें मसीह में करना चाहिए। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुओं में से मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। यानी पहले आदम के द्वारा इस दुनिया में पाप के कारण मौत आई, क्योंकि पाप का जो मजदूरी है वो मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है, लेकिन पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जो कि पहले आदम यानी हमारे आदि पिता के कारण इस दुनिया में आई। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पृथ्वी पर जन्म लिया हो और उसने मौत को न देखा हो। हम में से हर एक जन अपने अपने समय के अनुसार मृत्यु को देखेंगे, लेकिन हम अपने अपने समय के अनुसार जी भी उठेंगे। हालेलुया, अभी हम बताएंगे आपको। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ है। क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए में से मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाएंगे। यानी जो आदम पहला आदम है पाप के कारण मृत्यु आई, मरत अंतिम आदम जो यीशु मसीह यानी परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य बन गया, शरीर धारण करके मनुष्य का शरीर धारण किया और आत्मा शरीर धारण किया है, और शरीर धारण करके परमेश्वर का पुत्र कहलाया, नाम यीशु रखा, अर्थ है अभिषिक्त छुटकारा देने वाला, यीशुआ मसीहा, अभिषिक्त छुटकारा देने वाला, मृत्यु से पाप से श्राप से छुटकारा देने वाला। तो सबसे पहले तो वो खुद हमारे और आपके पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाए जाने से हम चंगे होते हैं। और वही गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यानी यीशु मसीह ने जी उठने के बाद हमारे लिए आगे की जिंदगी का रास्ता खोल दिया। इसीलिए वो खुद कहता है, राह को जिंदगी मैं ही हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में भी सब जलाए जाएंगे, हर एक अपनी अपनी बारी से। यानी जैसे हम लोग अपनी अपनी बारी से आदम में मरते हैं, आदम में हम मृत्यु को देख रहे हैं, वैसे ही अपनी अपनी बारी के अनुसार यीशु मसीह के दुनिया में दोबारा आने पर जिलाए जाएंगे। आमीन, जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। अभी हमने बताया कि मसीह जब आएगा तो अपने लोगों को जिंदा करेगा, और जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं है। ये समझ लीजिए, ये मसीह का आत्मा है
जो अविनाशी बीज है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा और उस समय वो सारी प्रधानता का, सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करेगा और राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वो अपने बैरियों को अपने पांव तले न कर ले, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो है मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। आमीन। मेरे प्रियो, ये सच है, पुनरुत्थान तो निश्चित है। जो भी पैदा होगा वो बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा, जवान होगा, मरेगा, लेकिन फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा। और दो तरह के लोग जीवित होंगे इसमें, एक तो वो जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, उन्हें पवित्र आत्मा एडवांस में दिया गया है, यानी बयाने में दिया गया है। और ये पवित्र आत्मा जो हमें मिलता है, वही जिसने यीशु मसीह के शरीर को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किया, वही पवित्र आत्मा अविनाशी बीज है, वही परमेश्वर का वचन है। और ये अविनाशी बीज यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानता है, और जैसे यीशु मसीह उतरेगा स्वर्ग से पृथ्वी पर, तो सबसे पहले उसके लोग जीवित होंगे एक आवाज़ में। सबसे पहले उसके लोग जीवित होंगे, और उन लोगों में हमारा पुत्र, हमारे साथ जो यूनिवर्सिटी में हम सबका कुलीग बेटा रोहित लाल भी, उन सब के साथ, मसीह के लोगों के साथ जीवित होगा। हमारे बुजुर्ग भी मसीह के साथ जीवित किए जाएंगे, और तब सब एक साथ प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, अब कोई कहे कि किस रीति से मुर्दे जीते हैं, कैसी देह होती है। हे निर्बुद्धि, संत पौलुस कह रहे हैं 36 पद में, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो न मर जाए जिलाया नहीं जाता, और जो कुछ तू बोता है वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी का अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हरेक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं है, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर कुछ और है, मछलियों का शरीर कुछ और है, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, पार्थिव देह का और है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है परंतु अविनाशी रूप में जी उठता है, वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता में बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, जब परमेश्वर ने अपनी उसकी सांस उसके नथनों में फूकी तो आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहाँ पर अंतिम आदम जो जीवनदायक आत्मा है, इसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। ये अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा है, परंतु पहले आत्मिक न था, स्वाभाविक था, जो हम जैसे लोग, आदम स्वाभाविक था परंतु इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। हालेलुया। क्योंकि पहला मनुष्य तो हमारा आदि पिता है, लेकिन दूसरा यानी अंतिम आदम परमेश्वर का पुत्र है, जो कि पवित्र आत्मा माता मरियम के ऊपर साया किया और माता मरियम गर्भवती हुई, यानी आत्मा ने देह धारण किया, स्वयं परमेश्वर देह धारण किया और जन्म मनुष्य के रूप में लिया, जो आत्मिक है वो देह धारण किया है। यह आदम यानी हम सब यीशु मसीह में देह में पैदा हो रहे हैं, शारीरिक हैं परंतु आत्मिक बन रहे हैं मसीह में, यानी हम शरीर से आत्मा में जा रहे हैं और वो आत्मा शरीर में आ रहा है ताकि हमारे शरीर को लेकर आत्मिक बना दे।
हालेलुया, बात समझ में आ रही है? ये हो रहा है। हे भाइयों, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक झपकते ही होगा, अंतिम तुरही फूकी जाएगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। ये मरणहार देह अमरता को कैसे पहनेगी? पुट ऑन जीसस क्राइस्ट एंड मेक नो प्रोविजंस टू फुलफिल लस्ट थेरऑफ। यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह कौन है? अमरता का, अमरता है वो, अमर है। तो यीशु मसीह को जब हम मरणहार देह के लोग पहन लेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे, हम भी अविनाशी हो जाएंगे, हम भी अमरता को ग्रहण कर लेंगे। ये बात संत पौलुस कह रहे हैं, ये भेद की बात है कि अविनाशी अवश्य है कि नाशवान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो ये वचन पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हे प्रियो, विश्वास में अटल बने रहो। यह हम देखेंगे पहला पत्रस प्रभु का वचन है। पहला पत्रस यीशु मसीह के चेले हैं, जिन्होंने पहला पत्रस की दो किताबें लिखी हैं, उसमें वो लिख रहे हैं, क्योंकि पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23 पद, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यानी नया जन्म हमने कब पाया? जब यीशु मसीह को, जो अविनाशी बीज है, जो परमेश्वर का अविनाशी बीज है, वचन है वो, उस वचन को हमने ग्रहण किया अपने हृदय में, हमारी आत्मा में उसका घर बन गया। जब यीशु मसीह का वचन जो आत्मा है वो हम में बयाने के साथ मिल गया, हमें नया जन्म मिल गया, हम मनुष्य की संतान से परमेश्वर की संतानें बन गए, पुराने जीवन को हमने त्याग दिया, गुनाह और पाप के जीवन से हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया और पवित्रता का रिश्ता जोड़ लिया, तब हम परमेश्वर की संतान बनकर नए जन्म के भागी हो गए। हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी शोभा फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर है। प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है। ये सुसमाचार परमेश्वर का अविनाशी बीज है। अगर ये हमारे हृदय में रहेगा तो हमें ये बीज जमीन को फाड़ कर बाहर निकल आएगा। हालेलुया, ये अविनाशी बीज हमारी देह को जमीन फाड़ कर निकाल के बाहर ले आएगा कब्र में से, जब यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारा तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने और नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, जिसका ज्ञान पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, परंतु अब इस युग में हमारे लिए प्रकट हुआ है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को जान लें, हम मसीही लोग कब्रिस्तान में गाते हुए नजर आएंगे, भजन गाते हुए नजर आते हैं,
कभी रोते हुए नहीं नजर आते, बहुत कम रोते हैं। कब्रिस्तान के अंदर प्रभु की महिमा करते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि परमेश्वर का वचन और उसका बीज जो अविनाशी बीज है, जो सुसमाचार है, जो यीशु मसीह का वचन है, वो अनंत जीवन है उसके अंदर। वो वचन हमारे हृदय में बोया जा चुका है, हमारे प्राण में बोया जा चुका है, और जिस दिन मसीह यीशु पृथ्वी पर लौट कर आएगा, उस दिन हमारा शरीर पृथ्वी फाड़ कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि अविनाशी बीज उसमें है। और जैसे ही अविनाशी बीज को मसीह की आवाज़ सुनाई देगी, लिखा है कि मुर्दे उसकी आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। मसीह की आवाज़ सुनने वाले मुर्दे ये कौन से हैं? वो हैं जिनमें मसीह का आत्मा है। हालेलुया। देखो रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय हम देखेंगे प्रभु के वचन से। जल्दी से रोमियो 8 अध्याय उसका 13 पद 9 पद 9 पद। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, यानी जब हमारा नया जन्म हुआ तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हम में बसता है, तो हम शारीरिक दशा में नहीं रहे परंतु आत्मिक दशा में हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन नहीं। यदि मसीह का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो मसीह के जन नहीं है, यानी अविनाशी जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकते यदि मसीह का आत्मा बयाने में विश्वास के द्वारा नया जन्म प्राप्त करने पर हमें नहीं दिया गया। यानी हमने विश्वास किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, पुराने जीवन को जल में गाड़ दिया हमेशा के लिए, और जल के बाहर आकर नया जन्म और नया मनुष्य बनकर आ गए बाहर। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में उतार दिया, यानी मसीह का आत्मा दे दिया, मसीह का मन दे दिया, मसीह का व्यवहार दे दिया, उसकी आत्मा दे दी, उसका सोच दे दिया, उसका माइंड दे दिया। तो वही है अविनाशी बीज जो हमारे हृदय में है, बो दिया गया है, और ये अविनाशी बीज हमसे कोई छीन नहीं सकता, यानी कोई नहीं छीन सकता। संत पौलुस कहते हैं, परंतु 8 अध्याय में कहते हैं, हमको मसीह के प्रेम से, 35 पद से, हमको मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा? रोमियो के 8 अध्याय उसका 35 पद, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हम तेरे लिए घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भीड़ के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं न मृत्यु, सबसे बड़ा शत्रु है मृत्यु शरीर का, प्रभु का वचन कह रहा है कि मृत्यु भी हमें परमेश्वर के अविनाशी आत्मा से, उस अविनाशी बीज को हमारे जो हम में बोया गया है, मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती उससे। परमेश्वर के प्रेम से जो यीशु मसीह में है, हमें मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। क्योंकि मैंने जानता हूं न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न ऊंचाई न सामर्थ न गहराई न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे यीशु में है, मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। सोचिए इससे बड़ी खुशी की खबर क्या है, इससे बड़ा सुसमाचार क्या हो सकता है इस मरणहार मनुष्य के लिए कि वो अमरता को पहन ले। यदि हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो अमरता को पहन लेते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह को पहन लो और अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करने का यत्न मत करो। नए जन्म के बच्चों के समान, नए जन्म के बच्चों के समान शुद्ध दूध पियो, प्रभु का वचन खाओ, और ये वचन हमारे लिए अविनाशी बीज का काम करता है, और इसी अविनाशी बीज के द्वारा हम यीशु मसीह के आने पर
परमेश्वर के राज्य में हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए जीवित किए जाएंगे। और वो लोग भी जीवित किए जाएंगे जिन्होंने इस अविनाशी बीज को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने अविनाशी बीज को अपने हृदय में नहीं रखा, उनका क्या होगा? वो भी जीवित किए जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर न्याय होगा, क्योंकि जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो दंड से बाहर निकल चुके हैं, वो मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन जो मृत्यु से जीवन में प्रवेश न किए हैं उन पर न्याय और दंड की आज्ञा होगी। इसलिए बहुत गंभीर है कि हम इस वक्त इस सुसमाचार को, खुशखबरी को सारी मानव जाति को सुनाएं कि एक उम्मीद है, एक आशा है, और ये आशा एक रियल आशा है, हकीकत है ये कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो कुआरी मरियम से पैदा हुआ है, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, परमेश्वर का पुत्र कहलाया, नाम यीशु मसीह रखा, यानी अभिषिक्त, छुटकारा देने वाला, दुनिया में भलाई करता रहा, अंधों की आंखें खोलता रहा, बहरों के कान, गूंगे को जुबान, लगड़े को चलाता रहा, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, सब कुछ भला करते हुए परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, और परमेश्वर के राज्य के प्रचार के जो विरोधी थे उन्होंने उसको षड्यंत्र के तहत क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन वो षड्यंत्र भी परमेश्वर की योजना के अंतर्गत माना गया था कि वो षड्यंत्र भी यीशु का क्रूस उठाया जाना पापियों के लिए, उनके लिए जिन्होंने यीशु के खिलाफ षड्यंत्र किया था, उनके लिए जिन्होंने यीशु के हाथों में कीलें ठोकी थी, यीशु ने उन्हें क्षमा कर दिया था, ताकि उनसे ज्यादा गंभीर पापी कोई हो ही नहीं सकता जो यीशु के हाथों में कीलें ठोक रहे थे, उनसे ज्यादा गंभीर पापी कोई नहीं हो सकता जो यीशु को दुख दे रहे थे, यीशु मसीह उन्हें भी क्षमा करने की प्रार्थना कर रहे हैं, और बाकी के गुनहगारों के लिए तो वो क्षमा करने को अपना पूरा हृदय और पूरा हाथ खोले खड़े हैं, आओ हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह अनंत जीवन का विश्राम देने को तैयार हैं। मेरे प्रियो, आज यही सुसमाचार है, यही हकीकत है। मैं जब यरूशलेम गया तो इस बेटी ने भी गाना गाया था, यरूशलेम की नगरी तू क्या है आलीशान, दुनिया की नजात का तू बन गया निशान। मैं उस समय यरूशलेम में जब घूम रहा था तो मसीह का आत्मा मुझे सारे नज़ारे दिखा रहा था 2000 साल पुराने, और जब मैं आत्मिक रूप से पहाड़ों से, पेड़ों से, वहाँ के सारे एविडेंस से, जो वहाँ गोलगथा का पहाड़ है जिस पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो गतसमनी का बाग जिसमें यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, यानी खून, पसीना खून की तरह बहता था, प्रार्थना कर रहे थे, सब यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे, पत्थर और पहाड़ इसके गवाह हैं कि यीशु ने खोला था मुक्ति की राह को। पूछा मैंने सियोन पहाड़ से कि क्या तूने देखा था यीशु को, बोला वो मुझसे, मसीह अभी यहीं था। यानी पहाड़ तो बहुत पुराना है, उसके लिए कल, आज और युगानुयुग का कोई मतलब नहीं है, वो तो कह रहा है अभी मसीह बैठे थे यहाँ पर, तुमने नहीं देखा, तुम तो अभी आए हो ना, मैं तो बहुत पहले से हूँ। पहाड़ कह रहा है मैं तो सृष्टि के आरंभ से हूँ, जब से सृष्टि की गई, जब से पृथ्वी बनाई गई, तब से पहाड़ हैं, और उस पहाड़ पर मसीह बैठे थे। पहाड़ कह रहा है अभी तो मसीह बैठा था, गतसमनी के बाग में कुछ जैतून है, अभी जैतून के पेड़ हैं, जड़ पेड़ भी कहते मसीह अभी इधर था, अभी अभी था। गोलगता से पूछा जहाँ यीशु को क्रूस पर टांगा गया था, क्या हुआ था मसीह को, गोलगता बोला वो न रख सका मुर्दा मसीह को, मसीह को मुर्दा नहीं रख पाया, बहुत लोगों को मुर्दा कब्र में गाड़े रहा हूँ मैं, पहाड़ के गर्भ में, उस कब्रों में बहुत लोग लेटे हुए थे, लेकिन मसीह यीशु को तीसरे दिन उगलना पड़ा, पहाड़ नहीं रख पाया। पहुंचा मैं जब उस कब्र पर जिसमें मसीह कैद था, लुढ़के हुए पत्थर की जुबानी लालिए सुना, कुछ देर पहले मसीह जी उठा था। तुम यहाँ देर से देखने आए हो, कुछ देर पहले मसीह जी उठा था। अब वो पत्थर कह रहा है कि यीशु मसीह जी उठे थे। सोचिए, ये कम्युनिकेशन
ये बातचीत केवल आत्मा ही दिखा सकता है, पवित्र आत्मा, जिसने हमें अपनी नज़र से यरूशलेम को दिखाया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की ओर से। सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर, विशेष प्रार्थनाएं करेंगे इस समय। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम खास तौर से रोहित लाल के परिवार को याद करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि रोहित लाल ने अनंत जीवन पा लिया है और उसका उद्धार हो चुका है और वो प्रभु यीशु मसीह की गोद में है। निश्चय उसने वो आनंद और शांति को प्राप्त कर चुका है, परंतु परिवार दुखी है, पत्नी दुखी है, बेटी दुखी है, माँ दुखी है, रिश्तेदार दुखी हैं, सब दुख में हैं, क्योंकि बहुत जल्द इन्होंने अपना सफ़र ख़त्म किया है। बड़ी जवानी में सफ़र ख़त्म किया है, 40 साल की उम्र में सफ़र ख़त्म किया है। इसलिए हे प्रभु, हमारी विनती और प्रार्थना है, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु दरबार के माध्यम से विनती करते हैं। हे प्रभु यीशु, इस यीशु दरबार की प्रजा, यीशु दरबार की कलीसिया की प्रार्थना को सुन ले और उनके परिवार को शांति दे, उनके बच्चों को संभाल और हिम्मत और ढाढ़स दे, और अपने स्वर्गदूत को अपॉइंट कर, अपने फरिश्ते को उनके साथ लगा दे, जो उसकी पत्नी को, उसकी बेटी को, उसकी माँ को, उसके रिश्तेदारों को संभालें और शांति दें। आज के दिन को आशीष में कहे प्रभु, हमारे इस होली कम्युनियन में हम विश्वास करते हैं कि हर एक जन जो यहाँ खड़ा है वो यीशु मसीह को मानने वाला है, उसने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया है, ताकि वो यीशु मसीह की देह को और उसके लहू को ग्रहण कर सके। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मेरे अपराधों के लिए घायल किए गए, मेरे अधर्म के लिए कुचले गए, मेरी शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी, ताकि उनके कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो जाऊं। मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना एकमात्र ईश्वर, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता हृदय से मानता हूं, हृदय में ग्रहण करता हूं। आमीन। जय यीशु।